मास्टर जी की देखा देखी क्या काजल राघवानी भी बिहार पहुंचने का मन बना रही है। जी हाँ, हम आपके सामने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिनों बाद काजल राघवानी भी आपको बिहार में ही नजर आए। जी हाँ, आपने सही सुना, काजल राघवानी आपको जल्द से जल्द बिहार में नजर आ सकती है। आप तो जान ही रहे हैं कि इन दिनों रानी चटर्जी और पवन सिंह काफी बिजी हैं और ये बिजीपन भोजपुरी के और लोगों को इंस्पायर कर रहा है बिहार आने के लिए। जी हाँ, मुंबई में तो लोग हैं नहीं। आपको बता दें कि भोजपुरी के अमूमन सारे सुपरस्टार पहुंच चुके हैं अपने मातृभूमि, अपने जन्मस्थली बिहार। बस बाकी बचे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो मुंबई में है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ सुपरस्टार पहुंच चुके हैं बिहार, और बिहार में पहुंचने के बाद वो गांव में बैठकर आनंद नहीं ले रहे बल्कि काम कर रहे हैं और फैंस को हमेशा खुश किए हुए हैं। वैसे भी सभी जानते हैं लॉकडाउन बहुत लंबे पीरियड का था, और जब इस लॉकडाउन में रियायत दी गई है तो लोग अपने काम से फैंस का दिल तो जीतेंगे ही, और इसमें सबसे आगे हैं पवन सिंह। और अब इसमें दूसरा नाम शामिल हो चुका है, खेसारी लाल यादव का। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भी आए दिन नए वीडियोस लेकर ही आ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है वो काजल राघवानी के साथ एक वीडियो लेकर आने वाले। आप तो सभी जानते हैं काजल राघवानी के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है, और इसी बाबत उन्होंने काजल राघवानी से कॉन्टेक्ट किया। और अब काजल राघवानी सुनने में आ रहा है कि जल्द से जल्द बिहार पहुँचेंगी, कई गानों की शूटिंग करेंगी, और तो और हो सकता है कि फिल्मों की भी शूटिंग करें। वैसे ही जब से लॉकडाउन लगा है भोजपुरी इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। काम बंद हो जाने के कारण छोटे मोटे टेक्नीशियंस को काम नहीं मिल रहे हैं, और आर्थिक तंगी का सामना हर छोटे बड़े स्टार को करना ही पड़ रहा है। तो ऐसे में लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब लॉकडाउन के नियमों को मद्देनजर रखते हुए काम करेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।